व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए लोबिया का सालन लेके आई हूँ, भुना हुआ सालन। ठीक है, तो ये लोबिया मैंने 2 घंटे पहले रख दिया था पानी में सोक करने के लिए। सोक हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह गल भी गया है। ठीक है, अब इसको मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ आधा घंटा पौन घंटे के लिए। लेकिन इसमें जो चंद चीज़ें मैं डालूँगी अभी इस वक्त, वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस वक्त। ठीक है, थोड़ा नमक, 1/2 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई एंड 1/2 टेबल स्पून से भी कम हल्दी। बस ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ। ठीक है, जब ये गल जाएगा तो मैं फिर आपके पास आती हूँ। ये लोबिया माशाल्लाह से खड़े मसूर की दाल की तरह बिल्कुल गल गया है। ठीक है, बिल्कुल खड़े मसूर की दाल की तरह हो गया है, बिल्कुल गल गया है माशाल्लाह से। अब मैं इसका ग्रेवी बना रही हूँ। ग्रेवी बना के ये भी मैं दिखाऊंगी फिर आपको डाल के। ठीक है, अब ये देखिए तेल में मैंने प्याज डाल दी है, प्याज लाल कर रही हूँ, ये प्याज लाल कर रही हूँ। एक बड़ी प्याज की आधी ली है मैंने, बड़ी प्याज नहीं होती, बड़ी बड़ी उस्तर से प्याजें जो होती हैं उसकी आधी ली है। ठीक है, ये लाल हो जाए तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए प्याज हो गई है, थोड़ी थोड़ी लाल होने की जगह, लाल होने की पोजीशन पे आ गई है। अब ये लाल होने लग गई है, ज़्यादा लाल करनी नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का गोल्डन करना है, क्योंकि इसके बाद तो आपको पता है कि फिर जलने लगती है प्याज, फिर वो टेस्ट में भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन डालूँगी। ठीक है, लहसुन डालूंगी 3 टेबल स्पून। ठीक है, डाल दिया मैंने, अब थोड़ा सा इसे मिलाऊंगी। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है लहसुन, लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह से। फिर मैं तमाम मसाले डालूंगी, टमाटर डालूंगी, फिर तमाम मसाले डालूंगी और थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए बंद कर दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। मैंने टमाटर डाल दिए, इसके अंदर तमाम मसाले डालूंगी, थोड़ा सा चला लूँ, फिर मैं इसके अंदर तमाम मसाले बताती जाती हूँ कितने कितने क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर एंड हद ज़ायका नमक। ठीक है, अच्छा जी, अपन ये तमाम चीज़ें डाल दी। बाकी जो मसाले होंगे जो मुझे कुछ और भी डालने, जब तक ये सॉफ्ट होंगे फिर मैं डालूँगी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख रही हूँ। ढक्कन उठा रही हूँ, अब ये देख लें आप माशाल्लाह से मेरा मसाला बिल्कुल पोजीशन पे आ गया है कि मैं इसके अंदर अब लोबिया डाल दूँ। ठीक है, लोबिया डालने के बाद भी मैं बाकी मसाले डालूँगी।
अभी देखिए मैं लोबिया डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गली हुई, बहुत ही मज़े की। ये चावलों के साथ मैं बनाती हूँ, आप स्पून के साथ भी खा सकते हैं, जैसे हम छोले खाते हैं, चिक पीस खाते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी खा सकते हैं। देखें सब डाल रही हूँ, ठीक है, माशाल्लाह से देखें कितनी बरकत है, माशाल्लाह से। चलें जी, अब देखें माशाल्लाह से ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, डेढ़ टीस्पून। और ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा खाएं, मिर्चें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊंगी, अभी देख लें, ये मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देखें मसाला बस बना लें, बस समझ गए आपका ग्रेवी यानी कि बना लें। आपकी लोबिया तैयार, आपकी चने की दाल तैयार, आपकी माश की दाल तैयार, आपकी मूंग की दाल तैयार, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम दालें बनाई जाती हैं, सिर्फ मसालों का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ये माशाल्लाह से बन गई मेरी, अब मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ी सी इमली भी डाल रही हूँ, ये देखें 4 खाने के चमचे यानी कि 4 खाने के चमचे, ठीक है। अब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर इमली डाली थी तो मैंने मिला थी, आपके सामने मिला रही हूँ इसके अंदर इमली। इमली ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े की होगी, ठीक है। अब मैं इसको निकाल के डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेकोरेट करके वहीं पे आती हूँ मैं इसके ऊपर, आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। ये देखें हरी मिर्चों से और हरे धनिये से इसको गार्निश करें, ठीक है, गार्निश करें। और भगरे हुए राइस के साथ खाएं, और इसको आप चमचे से भी खा सकते हैं, ठीक है। ये बन गई मेरी रेसिपी लोबिया की सब्ज़ी या लोबिया का सालन। लोबिया का सालन, ये रेसिपी मेरी तैयार हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं न्यू रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।